हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गया सोमवार 22 जुलाई। आज से सावन शुरू है और सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाइयाँ, हर हर महादेव। तो मेरा मम्मी का आज फास्ट है। मम्मी भी सारे मतलब सावन के जितने भी सोमवार आएंगे ना, सारे फास्ट रखेगी। और अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, मतलब मैं तो नहाया ही हूँ। मम्मी अभी नहाने गई है और आंटी भी हमारे साथ ही जाएंगी मंदिर। तो आंटी भी तैयार हो चुकी है, पर मेरे को अभी है ना दुकान से फ्रूट लेके आने हैं, क्योंकि भोले पे भी चढ़ा के आएंगे ना और खाएंगे भी। तो अभी मैं सोच रही हूँ जाके फ्रूट ले आती हूँ एक बार। और आज मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आज मेरे यूट्यूब चैनल को पूरे 2 साल हो गए हैं। क्योंकि डेट तो मेरे को याद नहीं कि किस डेट को खोला था, पर इतना याद है कि सावन का पहला सोमवार था जिस दिन मैंने अपना चैनल मतलब अपना पहला व्लॉग बनाया था, चैनल शुरू किया था। और आज भी सावन का पहला सोमवार है, तो आज मेरे चैनल की भी एनिवर्सरी है, सेकंड एनिवर्सरी। तो आज पूरे 2 साल हो गए मेरे यूट्यूब चैनल को भी, मेरे को व्लॉग बनाते हुए। चलो अभी मैं फ्रूट ले आती हूँ, मम्मी ना के आती है तब तक, और फिर चलेंगे मंदिर। और आंटी जी भी तैयार होके मंदिर जाने के लिए नीचे आ गई थी। तो अभी मैं और आंटी दोनों आए हैं फ्रूट लेने के लिए। आंटी भी नहीं लेके आई थी फ्रूट। 60 रुपए दर्जन है ना केले? एक दर्जन दे दो, एक दर्जन वो जूस बना लें, चढ़ाया होंगे। बोलो आप लोग नाशपाती है बबू गोसा? बबू गोसा बबू बबू गोसे बड़े महंगे दे रहे हो। भैया बढ़िया बढ़िया छाट दियो मेरे। अभी माल तो आई करा अभी क्या, अभी धनिया ले मैं वो लिया हूँ। तब तक जाकर रोली मोली बोला, रोली बोला उसमें डाक देना। कहाँ से लाओ आप? वो कर लो, हमारे भी बबू गोसे निकलवाने। तो मेरे को बबू गोसा कितना दे दूं? देखा हिसाब है, अच्छा बढ़िया बढ़िया वाला है। अभी तो आया है। बड़ा बड़ा वाला, बड़ा बड़ा दे। छोटे हैं तो इतने बड़े ना है, इतने बड़े तो कौन है, छोटे हैं। आधा किलो दे दे, दिखा देखा। आधा किलो हमारे दे दे। आधा आधा किलो तो दे दो, दो जगह आधा आधा किलो ले आती हूँ। अभी मैं ये लेके आ रही हूँ, आप तब तक तो लुआओ। थाली भी रेडी कर ली है और फ्रूट भी ले आई हूँ। चलो चलते हैं, आंटी भी आई हुई हैं। तो मंदिर चलते हैं, भोले को सिंगाते हैं, पूजा कराते हैं। और आज मैंने और आंटी ने दोनों ने येलो कलर का सूट पहना, आंटी ने साड़ी पहनी है, मैंने सूट पहना। चलो दिखाती हूँ। और मम्मी ने ग्रीन कलर का पहना है वो रखा उसमें वो जल। क्या आंटी? ठीक है ले आऊँ। चलो आंटी की साड़ी देख लो, येलो कलर की पहनी है ना आंटी ने साड़ी। पुराना है हमारा कोसी, ने नया ना पहना आंटी, तीन माह के पुराने सूट है नया कोसी। गर्मी में कितना आया, और शिवरात्रि देख लेंगे पुराने सूट पहने। मम्मी ने यो ग्रीन कलर का सूट पहना, पूरा सूट गिला हो गया आपका तो पीछे तक, बाला की वजह से। चलो ना कलर होता ना बाला में फिर ठंडा, फिर तो ब्लैक हो जाओ पीछे तो या रेड हो जाओ। चलो नानी बूंदिया अम्मा मेरी पढ़े रे, हां पढ़ रही नानी, नानी बूंदिया है तो कौन पढ़ रही। अम्मा मेरी पढ़े। कितने दिन हो गए अब तो बारिश होए, मेरा तो ये थाल पोसे ना पाया, माइप ढूंढूंगी टाइम लगेगा। अच्छा मैंने तो रख रखा है थाला पोस, पर वो मिला ही नहीं अभी। मैं फिर लेट होती ढूंढती तो मैंने ढूंढा ही नहीं। मैं चल ये सुन ले चलू टावल ने, टावल ले लिया। हाँ कल ढूंढ के रखना था, कल ध्यान ना दिया। हाँ मेरा तो धोया धाया रखा है, पर वो ढूंढना पड़ेगा, वही तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ आ जाओ जल्दी, मम्मी पीछे रह गई। मम्मी जल ले रही है, मैं अपना थाली में और सामान ले रही हूँ। लो भांग पकड़ी, भांग तोड़ के ले आऊं। कविता जैसा भाई भांग तोड़ ना मारो उगरी से भांग बतेरी। अच्छा रुक जा रुक जा, गणा गणा नशा में जाओ तो फिर बिचारो।
बांग बोले के लिए बांग तोड़ दी न्यू का कण ना सब हो जाएगा बतेरी फिर वो बोलन बतावा नहीं पा सावन में तो ग्रीन ग्रीन हो जाए सारे पेड़ है ना सुंदर सुंदर देखियो ये रहा हाँ दतूरा भी है हाँ दतूरा और वो भी तो क्या है उसका बेलपत्र मंदिर में मिल जाएंगे हाँ फूल और बेलपत्र तो आजकल मंदिर में मिल जाए दो तोड़ लो आंटी एक हमारा एक आपका चलो दोनों चीज होगी यहाँ रख दो बस इब तो बेल पत्थर रह गया वो मंदिर में मिल जाएगा सारी चीज मंदिर में रस्ते में हमने सारी चीज ले लिया कच्चा कच्चे खाली प्लॉट होने का फायदा है खाली खाली प्लॉट हम मिल जाए सारी चीज मंदिर में पहुंच गए हम भीड़ हो रही है मंदिर में तो चप्पल जूती तो नरी निकल रही है ये रे इधर वो मिला पैसे तो ना लाए बेलपत्र और फूल दतूरे दतूरा ही तो बांग दतूरा फूल सब है वो बांगरी दोनों तरह के फूल हैं गुलाब के भी इसके भी रुपये देने भीड़ हो रही है मंदिर में तो पूरी शांति कर ले भीड़ हो रही है थोड़ा तो वेट करना पड़ा गर्मी लग गया है ना इतनी भीड़ हो रही थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब हमारा नंबर आएगा पंखे ये ना चलते उधर चल रहा पंखा तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी जहाँ शिवलिंग था ना तो वहाँ मतलब पूजा करने की जगह थी नहीं तो फिर मम्मी और आंटी यहाँ बैठ गई हैं थोड़ी देर के लिए जब थोड़ा सा मतलब रास्ता मिल जाएगा ना फिर हम पूजा करने के लिए जाएंगे तब तक यहाँ बैठ के भजन कर लेते हैं भगवान के आगे बैठ के हर हर महादेव शिव शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हरे हर भोले नमः शिवाय हर शिवाय शिव नांगे सुराय हर हर भोले नमः मंदिर से आ गए हम कराए हैं बोले भंडारी की पूजा और आते ही मैंने बना लिया था बनाना शेक तो बनाना शेक पीने से ना काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी चाय वगैरह नहीं बनाई चाय फिर बाद में शाम को पी लेंगे वहाँ भी शेक सही है सुबह सुबह तो और अभी मौसम बाहर बहुत ही बढ़िया हो गया हवा चल रही है एकदम जबरदस्त वाली दिखाती हूँ बाहर का मौसम आपको कैसा हो गया
मैं ये कह रही थी ना कि आज तो से सावन शुरू हो गया और सावन का पहला सोमवार है, हर बार बारिश आती है। माँ की बार नहीं आई पर अभी बारिश शुरू होने वाली है। ये देखो मेरे को लग रहा आज भी बारिश आएगी पक्का। तो बोले भंडारी पे जल चढ़ाने के लिए राम तो बरसेगा ही, है ना। तो सावन शुरू हो गया भाई और सोमवार भी आ गया तो बारिश तो आनी बनती है। वैसे कई दिन हो गए यहाँ गुड़गांव में बारिश नहीं हुई है पर आज तो आनी ही चाहिए। तो देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी। बस अब जल्दी से बारिश आ जाए, एक बार तो बारिश आनी चाहिए आज के दिन। और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, मतलब लंच टाइम हो गया है, तो लंच कर लेते हैं हम। तो आज लंच में हम ये खाएंगे, बाबू से खाएंगे। वैसे रोटी सब्जी मैंने बनाई थी, सुमित खा के जा चुके हैं हॉस्पिटल और अभी मम्मी भी हॉस्पिटल गई है। मम्मी आएगी तब तक ये काट लेती हूँ, फिर मैं और मम्मी ये खाएंगे, फिर शाम को 4 बजे से चाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय पी लेंगे। तो आज तो ब्रेकफास्ट डिनर नहीं, डिनर में नहीं, लंच में तो यही चलेंगे फ्रूट वगैरह, और डिनर में तो शायद हम रोटी सब्जी खाएंगे क्योंकि हम है ना नमकीन वाले फास्ट रख रहे हैं। पहले मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया था कि मीठे के रखने हैं या नमकीन के रखने हैं, तो मीठा मीठे में तो पूरा दिन नहीं रह जाएगा। तो फिर मम्मी बोली एक टाइम खाना खा के, मतलब रोटी सब्जी खा के तब रख लेंगे। तो शाम के टाइम तो मैं सब्जी रोटी बनाऊंगी, अभी ये खा लेते हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।